हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों, साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे सवाल हैं, तो चलिए फटाफट सारे सवाल को हम लोग यहां पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला सवाल है दोस्तों कि हवा क्या है। एक और सवाल दोस्तों बार बार टच करता है कि ऑक्सीजन क्या है, तत्व है या यौगिक है। हवा क्या है, तत्व है, मिश्रण है या यौगिक है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपने दोस्तों पीरियोडिक टेबल तो देखा होगा। पीरियोडिक टेबल में जितने भी आप देख रहे हैं, लगभग 118 अभी के डेट में एलिमेंट हैं, जितने भी देख रहे हैं सारे के सारे दोस्तों एलिमेंट हैं। पीरियोडिक टेबल में जो भी आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, सारे के सारे वो तत्व कहलाते हैं। अब देखिए, तत्व मतलब क्या होता है। तत्व उसको कहा जाता है दोस्तों जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब हवा क्या है, तो ये है मिश्रण। क्यों है? क्योंकि हवा में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, ये हो गया मिश्रण। अब जैसे मिश्रण का एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे बालू को पानी में मिला दीजिए, मिश्रण हो गया। सोडा भी है एग्जाम्पल मिश्रण का, हवा भी है, एक से अधिक या दो से अधिक सब्सटेंस जब मिल जाते हैं तो वो मिश्रण बनता है। तत्व क्या होता है दोस्तों, तत्व एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर होता है। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कोई दूसरा तत्व नहीं है, केवल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, वो तत्व हो गया। अब यौगिक क्या है दोस्तों, यौगिक में क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों को मिला करके बनाया जाता है एक रेशियो में। जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक रेशियो में मिलाया जाता है तो वो यौगिक बन जाता है। जैसे कि H2O, इसमें दो तत्व हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको यौगिक। ठीक है, तो जैसे पानी हो गया यौगिक, सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम और क्लोरीन मिला हुआ है तो सोडियम क्लोराइड भी यौगिक हो गया। कॉपर ऑक्साइड हो गया यौगिक, लेकिन कॉपर हो गया एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसे अलग कर दिए तो एलिमेंट बन गया। तो इसी तरह से दोस्तों ये हवा हो गया मिश्रण और ऑक्सीजन हो गया तत्व। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे अधातु लिखा है, अधातु। अगर यहाँ पे धातु रहता कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है, तो उसका सीधा जवाब होता पारा। क्योंकि पारा एक ऐसी धातु होती है जो आपको कमरे के सामान्य तापमान पर भी तरल अवस्था में पाई जाती है, जिसको HG से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। लेकिन अधातु अगर पूछ दे, आजकल ऐसे ही सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछ रहे हैं, अधातु अगर पूछ दे तो इसका सीधा सीधा जवाब होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि आपको कमरे के सामान्य तापमान पर भी तरल अवस्था में पाई जाती है। साइंटिफिक रूप से दोस्तों कमरे का सामान्य तापमान 23 डिग्री सेल्सियस मान के चला जाता है। ठीक है, तो ये अधातु का ये गुण होता है दोस्तों कि अधातु जो विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं, कुचालक होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, जबकि धातु क्या होते हैं कि ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। ठीक, तो जैसे अधातु हो गया आपको कार्बन हो गया, धातु है सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये क्या होते हैं कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। और दोस्तों नॉन मेटल की अगर बात की जाए अधातु की, तो ग्रेफाइट ही दोस्तों एक ऐसा अधातु है जिसमें विद्युत अच्छे से प्रवाहित होती है, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि और कोई भी दोस्तों अधातु नहीं है। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर भी तरल अवस्था में पाया जाता है, और धातु में तरल अवस्था में पारा पाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि इनमें से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिल करके अमलगम बनाती है। मतलब कि अब देखिए अमलगम क्या होता है, पारा के साथ दोस्तों, पारा के साथ जब कोई भी धातु या मेटल को मिलाया जाता है तो जो मिश्र धातु बनता है दोस्तों उसको अमलगम कहा जाता है। उसमें लोहे को नहीं मिलाया जाता है एक्चुअली। तो यहाँ पे दोस्तों पारे को स्वतंत्र रूप से, तो पता है कि पारे जो पारा होता है दोस्तों वो स्वतंत्र रूप से तरल होता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि सिल्वर या कॉपर वगैरह मिला करके उसको थोड़ा ठोस बनाया जाता है, और इसका प्रयोग डॉक्टर लोग करते हैं दांत वगैरह को भरने में। तो पारे के साथ जब कोई धातु मिलाया जाता है, कोई भी धातु, तो वो जो मिश्र धातु बनता है उसको अमलगम कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि मरकरी, कि कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाती है, तो मरकरी है दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है कि बिजली बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा एग्जाम हॉल में, कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑर्गन नहीं रहता है, अगर ऑर्गन है तो दोस्तों इसका जवाब आपको ऑर्गन होगा। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। और आर्गन नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन दिया है तो नाइट्रोजन भी दोस्तों हो सकता है, क्योंकि अगर एग्जाम हॉल में आपको आर्गन नहीं दिया है और नाइट्रोजन दिया है तो आप नाइट्रोजन पे ही टिक कीजिएगा। ठीक,
तो इन्हों दोनों को साथ में नहीं दे सकता, या दोनों को लिख सकता है आर्गन और नाइट्रोजन, ऐसा लिख के दे सकता है, क्योंकि ये दोनों गैसें दोस्तों बिजली के बल्ब में भरी जाती है। और किस लिए भरी जाती है, इसलिए दोस्तों ये भरी जाती है क्योंकि जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है वो जल्दी ख़राब ना हो और ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, जिसके चलते ऑक्सीजन क्या करता है दोस्तों कि अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया करने के बाद होगा क्या कि वो बल्ब क्या होता है, ख़राब हो जाता है या फूट जाता है। तो इसी की वजह से ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, इसीलिए इसमें अक्रिय गैस भरी जाती है। अक्रिय गैस है जैसे आपको नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, ये दोनों गैस अक्रिय है, ये कोई प्रक्रिया नहीं करती है किसी के साथ, इसीलिए इसको इसमें डाल दिया जाता है। तो ये आपका जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो गया, और आर्गन ना हो तो आप नाइट्रोजन टिक कर दीजिए, ये भी हो जाएगा। दोनों अक्रिय गैस हैं और दोनों बिजली के बल्ब में भरी जाती है, और बिजली के बल्ब में दोस्तों टंगस्टन होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला निचला सवाल है दोस्तों कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस करता क्या है कि हमारे वातावरण को गर्म कर देता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रक्स ऑक्साइड हो गया, N2O है, तो ये सब क्या करता है कि वातावरण को उसके गर्मी को बढ़ा देता है। तो इसीलिए दोस्तों ये क्या होता है कि हमारे वातावरण के लिए सही नहीं होता है। तो ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मीथेन भी है, नाइट्रक्स ऑक्साइड भी है, लेकिन हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन का भी सबसे बड़ा कारण ग्रीन हाउस गैस का ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन है। आजकल गाड़ी बस जितने भी चल रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत काफ़ी निकल रही है, जिसके वजह से वातावरण लगातार दोस्तों गर्म होता जा रहा है और क्लाइमेट चेंज इसी की वजह से हो रहा है। वैसे हमारे वायुमंडल में दोस्तों लगभग 78% तक आपको पाया जाता है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, लेकिन इसमें ग्रीन हाउस का ज़्यादा उत्सर्जन क्या कर रहा है कि इसको गर्म कर दे रहा है। तो इस चीज़ को हमें रोकना चाहिए, इसको समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा।